मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। जुमा के रोज़ दिल्ली में एक बहुत ही दिनदनी घटना सामने आई, जिसमें रास्ते पर नमाज पढ़े मुस्लिम समुदाय के लोगों को एक पुलिस अधिकारी द्वारा लात मारने की घटना से पूरे मुस्लिम समाज में इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी है, जिसको लेकर MIM के असदुद्दीन अवैसी, वारिस पठान समेत कुछ लोगों ने यहाँ पे इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसी वाक्ये को लेकर, इसी घटना को लेकर हमने आज NCP के सीनियर लीडर सैयद अली अशरफ भाई साहब से बात की। इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए सैयद अली अशरफ भाई साहब ने कहा कि मुसलमान सिर्फ वोट बैंक बनकर ही रह गया है, और आज ऐसे वक्त और ऐसे हालात पेश आ रहे हैं और जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय को दबाया जा रहा है, कभी हेट स्पीच के ज़रिए शहर का और देश का माहौल ख़राब किया जा रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन सड़क पर अगर मुस्लिम समाज नमाज़ पढ़ता है, प्रार्थना करता है और अपने ईश्वर को याद करता है, तो उसके ऊपर इस तरीके से पुलिस अधिकारी द्वारा हरकत की जा रही, इसको लेकर मुस्लिम समाज में काफ़ी नाराज़गी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सैयद अली अशरफ ने बताया कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से खामोश है, जो एक सेकुलर गठबंधन माना जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े लीडर है वो इस घटना को लेकर खामोश है, कहीं भी उन्होंने इसका ट्वीट नहीं किया है। वहीं सैयद अली अशरफ ने जिस तरीके से जो पुलिस अधिकारी ने जो लात मारी थी उसको सिर्फ सस्पेंड किया गया है, ये उनकी सिर्फ खानापूरी है। उन्होंने मांग की है कि उसको कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। क्या कुछ कहा इस मौके पर सैयद अली अशरफ ने, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। भाई साहब, कल जुमा बाद जिस तरीके से दिल्ली में जो नमाजियों को लात मारने की जो घटना पेश आई, उसको लेकर असदुद्दीन अवैसी, वारिस पठान समेत कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आई है, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? देखिए, बड़ी दुखदायक घटना है कि इस देश के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ जो हालात चल रहे हैं, एक तरफ जब कावड़िए निकलते हैं तो गवर्नमेंट फूल बरसाती है, रास्ता दिया जाता है, रास्ते में अगर कोई टेम्पू आ गया तो कावड़िए टेम्पू को जला देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, फिर वो किसी भी धर्म का रहे। उस जगह पे अगर सपोज़ कि कोई रोड के ऊपर आ गया नमाज पढ़ने के लिए, तो उसको मोहब्बत से भी अंदर किया जा सकता था, लेकिन जिस तरीके से लात मारा गया और जिस तरीके से वो किया गया, इससे पता चलता है कि वो मुसलमान थे, इसके लिए इस तरीके की हरकत की गई। मुझे अफसोस है कि मैं कल से देख रहा हूँ कि इस देश के अंदर इंडिया गठबंधन, जो हमारा गठबंधन है, इससे कोई बड़े नेता का कोई ट्वीट नहीं आया, किसी ने उसका विरोध नहीं किया, किसी ने एक शायद MIM से अवैदीन अवैसी और कुछ लोगों ने किया ना, लेकिन कोई बड़े लीडर, इस मुल्क के बड़े लीडर्स का किसी का भी कोई बड़ा बयान नहीं आया। तो ये अफसोस की बात है कि वोट तो हमारा लिया जाता है, वोट का इस्तेमाल हमारा किया जाता है, लेकिन हमारे लिए हम जिसको वोट देते हैं, हम कहीं ना कहीं वोट बैंक बन गए हैं, इसके लिए वो हमको लात मारते हैं और ये हमको सहलाने के लिए भी नहीं आते। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि इस मुल्क के अंदर, अभी आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, नितेश राणे धरावी जाता है, धरावी में दो बच्चों का झगड़ा रहता है, मोहल्ले का झगड़ा, आपसी बॉल के ऊपर से वो झगड़ा सेटल भी हो जाता है, उसके बावजूद भी वो जाके हिंदू मुस्लिम की बात करके आग लगाने का काम कर रहे हैं। तो BJP तो पूरी बुरी तरीके से इस मुल्क के अंदर वो रखा है कि इस मुल्क में मुसलमान को रहना है नहीं रहना है, अब ये भी तय करना चाह रहे हो, तो ये सरासर गलत है। और मुसलमान डरा हुआ है, और अब मैं तो बोलता हूं कि अब डरने की जरूरत नहीं, अब आप भी गिरफ्तारियों के लिए निकलो, 50,000 1,00,000 लोग एक साथ निकलो कि हमको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि कब तक डर के बैठे रहेंगे, कब तक लात खाते रहेंगे, कब तक ट्रेनों के अंदर गोली खाते रहेंगे, रास्ते में जा रहे हैं बीवी को नोच के मार डाला जाएगा आँख के सामने, ये गलत है ना। अगर भी क्या नाम है, और हकीकत में प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, इवेंट्स जो कर रहे मुल्क के अंदर ये ठीक नहीं है, जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है इसको, ये बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे दिया गया है कि आज ये हालत हो गया है कि मतलब आप नमाजी को जिस तरीके से वो इंस्पेक्टर मार रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि वो पता नहीं कौन सा कत्ल किया है कि क्या किया, रहे अल्लाह की उस पर सजदा कर रहे हैं, आप भी करते हो, तो कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है। और मैं तो ये बोलूँगा कि हम सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ जो हमारी है ना, उनके लीडर्स को भी बोलना चाहिए, अफसोस की बात है।
उसको तो सस्पेंड करके, उसको गिरफ्तार करके उसको जेल में डालना चाहिए था, लेकिन ये तो खेल होता है ना, सस्पेंड कर दो। तो ये गलत है सरासर, ये महाराष्ट्र में भी किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं पूरे भारत में इस तरीके का माहौल बना है और ये बनाते रहेंगे जब तक चुनाव नहीं आ जाए। मैं बार बार बोलता हूँ कि एक मरतबा चुनाव हो जाएगा ये सब चीज़ ठंडी हो जाएगी। मुस्लिम आमदार की खामोशी को लेकर क्या करेंगे? क्या करेगा मुस्लिम आमदार, क्या करेंगे? बस वो आमदार हैं, आमदार के जैसा रहें, सुनने वाला तो कोई है नहीं, सुना भी नहीं जाएगा, तो लोगों ने बोलना भी बंद कर दिया है। लेकिन बोलना चाहिए, कम से कम रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए कि भाई हम विरोध में हैं, ये गलत है। आज नौबत इस तरीके के आगे के रास्तों पे नमाजियों को लाते मारी जा रही, क्या कहेंगे इस तरीके की हरकत को लेकर? देखिए, मेरा एक अपना ये बोलना है कि अगर इस तरीके से हरकत के जा रहे तो ये तो इंतहा पार हो गई ना। ठीक है, अगर रोड पे नमाज पढ़ लिया तो कोई इतना बुरा काम नहीं किया ना, रोड तोड़ने का काम नहीं किया ना, रोड पे बवाल मचाने का काम नहीं किया ना, खुदा की इबादत है, दो रकात का नमाज पढ़े और हट गए। और मैं ये बोलता हूँ कि जितने भी पुलिस वाले हैं, आप उनसे पूछें कि जो नमाज पढ़ते हैं, कोई भी नमाज पढ़ने के टाइम कोई मस्ती करता है क्या? आप तो न जाने क्या क्या करते हो, दूसरे के धर्म की मस्जिद के सामने चिल्लाते हो। जहाँ इंसिडेंट्स हुआ वहाँ केजरीवाल की सरकार है, केजरीवाल एक सेकुलर नेता माने जाते हैं, क्या कहेंगे? मैंने कहा ना कि उनका भी ट्वीट नहीं आया, शायद उनका भी ट्वीट नहीं आया। मुसलमान वोट बैंक बन गया, केजरीवाल को ट्वीट तो करना चाहिए था, है ट्वीट आया, आपने देखा, आप पत्रकार हो। इंडिया गठबंधन में से कोई बड़े लोगों का आया ट्वीट, खाली वोट मुसलमान दो, हमको वोट दे देना, तुमको हम कुछ नहीं देंगे, तुम वोट दो, तुमको सड़क पे मारा जाएगा। बीजेपी की सारी लड़ाई मुसलमान लड़ रहा है भाई साहब। एक तरफ कांग्रेस की न्याय यात्रा निकली है, राहुल गांधी न्याय यात्रा लेके लोगों को जमा कर रहे हैं, और इसके ऊपर उनका भी अभी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, क्या कहेंगे? मैंने कहा ना, डर रहे होंगे कि कहीं हिंदू वोट बैंक बिगड़ ना जाए। इसी में तो अखिलेश यादव ख़त्म हो गए, मायावती ख़त्म हो गई, है ना, ये भी अगर ऐसे ही करेंगे तो मुसलमान अपनी सुरक्षा के हिसाब से क्या करेगा, कहीं ना कहीं वो दबाव में आ गया है लगभग। भाई साहब, इस तरीके की घटना दोबारा महाराष्ट्र या देश में कहीं ना हो, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा अब यही कहना है कि बहुत हो गया डर का माहौल, अब डरना बंद करो और एक मरतबा सब मिलके उतरो सड़क के ऊपर कि लो आज हम मार ही डालो, हम लोगों को ख़त्म कर दो, हम लोगों को अगर तो हम इतने तकलीफ़ दे रहे हैं इस तरीके का, जिस दिन पूरे माइनॉरिटीज़ के लोग एक साथ में उतर जाएंगे ना, उसी दिन सब समझ में आ जाएगा।